मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के पहले ही दिन किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता विधानसभा में लहसुन की बोरियों के साथ पहुंचे और कहा, भाजपा सरकार के कारण किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। इस समय लहसुन का सही दाम नहीं मिलने से किसान लहसुन को नदी तालाबों में फेंक रहा है। मानसून सत्र की शुरुआत मंगलवार से हो गई है। हंगामे के बीच कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए। इस दौरान कांग्रेस नेता लहसुन की बोरियां लेकर विधानसभा पहुंचे और विरोध स्वरूप लहसुन की बोरियों को विधानसभा के बाहर फेंक दिया। कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया है, किसानों को लहसुन का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा, किसानों के दर्द को सरकार समझे, आज किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा, सरकार विधायक खरीद रही है, किसानों की लहसुन नहीं खरीद रही। बेचो गांव गांव, अवैध दुकान है, अकेले भोपाल नहीं, गांव में तो भोपाल तो लोगों की जानकारी में आ गया, सरकार की राजधानी है, लेकिन गांव में भी बड़े बड़े फैक्ट्रियां खुल गई हैं जो आम आदमी को बर्बाद करने पर उतारू हैं, और करोड़ों रुपए की लूट आबकारी में हो रही है। सदन में बस कोई चर्चा होगी इसकी, शोर शराबा सब करेंगे। मैं शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं करता, और मैंने कहा भी है कि सार्थक बहस हो, हम बहस करना चाहते हैं। सरकार अगर तानाशाही रवैया अपनाएगी तो मजबूर में हमें भी कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज विधानसभा में प्रदर्शन नहीं, किसान के दर्द को लेके आए थे कि मुख्यमंत्री और सरकार उस किसान के दर्द को समझे। जिस किसान की लागत तो छोड़ो, मजदूरी नहीं निकल पा रही कि आज घर में रखा हुआ लहसुन अगर फेंकने जाए तो उसकी मजदूरी नहीं निकल सकती, पर किसान के साथ जो धोखा है सरकार ने करा है कि सिर्फ किसान के पेट पे ला तो छाती पे गोली मारते हैं। लागत आधी करने की बात कही थी, डीजल के भाव बढ़ा दिए, बिजली के भाव बढ़ा दिए, वो कहीं ना कहीं खाद के भाव बढ़ा दिए। कीमतें जो 10 से 15 हज़ार रुपये कुंटल लहसुन बिका करती थी, वो आज 100 रुपये कुंटल बिक रही है। कोड़ियों के दाम पे भी लहसुन नहीं बिक रही, उस दर्द को लेके आए थे, पर सरकार ना तो चर्चा करना चाहती है, सिर्फ भगना चाहती है कि कैसे किसान से भगने का काम करे, किसानों की आवाज को और दर्द को लेके हम सदन में आए थे। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि शिवराज सरकार में किसानों को उनके फसल का सही दाम मिल रहा है, लेकिन लहसुन में कुछ किसानों की क्वालिटी सही नहीं है, जिसकी वजह से रेट कम मिले हैं, बाकी किसानों को सही दाम दिए जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार किसानों को लेकर सजग है। देखिए, आज बाजार का मंडी रेट आप खुद देख लें कि अच्छा लहसुन जो है वो अच्छे रेट में बिक रहा, लेकिन जो लहसुन लगातार, जो लहसुन की क्वालिटी ठीक नहीं है, जिसकी कली और जिसमें बीमारी लगने से, कीड़ा लगने से लहसुन खराब हो गया, 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं सकता, उसी लहसुन के रेट कम है। बाकी मांग और पूर्ति पर रेट चलते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब किसानों की सरकार है। हमने अभी मूंग समर्थन मूल्य पे खरीद रहे हैं, और अगर हम नहीं खरीदते तो 3,000-4,000 रुपए बिकता, जो 7,275 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं, करोड़ों नहीं 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 किसानों से खरीद रहे हैं, बिल्कुल किसानों से खरीद रहे हैं, और किसानों को हजारों करोड़ का फायदा हो रहा है। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।